तेजस्वी यादव दिल्ली से आज पटना पहुंचे हैं, चूंकि दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं तारापुर कुशेश्वर स्थान, उसको लेकर उन्होंने दावा किया है कि सरकार की तमाम योजनाएं फेल है। और साथ ही साथ उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया है कि 3 दिन हमारा जो है तारापुर में रहेंगे, उसके बाद कुशेश्वर स्थान कुछ करेंगे। पहले सुनिए, पटना आते ही तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। बिहार की जनता NDA को पराजित करा करके असल में विजयदशमी मनाई, गरीबी, बेरोजगारी, अफसरशाही, अपराध, भ्रष्टाचार, जो सुशासन ने देने का काम किया है, बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना रखा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, विशेष पैकेज नहीं मिला है। और जब से नई सरकार बनी है, कोई एक योजना बता दीजिए जो धरातल पे काम कर रहा हो। हर जगह जो है भ्रष्टाचार, सब लोगों ने देखने का काम किया है और लोग ऊब चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। और तारापुर की जनता और कुशेश्वर स्थान की जनता, भले ही पिछला चुनाव वो जदयू के खाते में गया, लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो दोनों उम्मीदवार हैं भारी मतों से विजय प्राप्ति करेंगे। और सत्ता में बैठे जो तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, उनको सीधा संदेश भेजेंगे कि अब बस बहुत हुआ, अब आपसे बिहार चल नहीं रहा, आप थक चुके हैं। 2-3 दिन हम पहले तारापुर में रहेंगे, उसके बाद कुशेश्वर स्थान जाएंगे, और बाद में जो होगा वो फिर हेलीकॉप्टर से जब प्रचार होगी, जब सभा होगी। लालू जी आ रहे हैं क्या? लालू जी आ रहे हैं क्या? लालू जी वो तो बड़े इच्छुक हैं आने के लिए, हम जाके मुलाकात भी किए थे और आना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर को हम लोगों ने कंसल्ट किया है, जैसा डॉक्टर अपना राय बताएंगे उसी हिसाब से, क्योंकि हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी है। और क्योंकि चुनावी सभा में आप लोग सब लोग जानते हैं एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से अभी वो आना चाहते हैं तो उसको लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर अपना फाइनल राय नहीं बताएंगे, जब भी आना होगा 2-3 दिन पहले की वो राय बता पाएंगे डॉक्टर। चलने वाला नहीं है चुनाव में, सबसे बड़ी पार्टी बनाया बिहार की जनता ने, बेईमानी के बाद भी 1,56,00,000 हमारे गठबंधन को वोट मिला, मात्र 12,000 का डिफरेंस रहा बेईमानी के बाद भी, कितना पोस्टल बैलेट रद्द किया उसके बाद भी, अब बोले लालटेन नहीं जल रहा, बिजली की किल्लत देख रहे क्या है पूरे देश में, बड़ा खेला हो रहा है। आपने सुना तेजस्वी यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग कैंपेन की शुरुआत कल से करने जा रहे हैं और 3 दिन जो है वो तारापुर में रहेंगे, उसके बाद कुशेश्वर स्थान जाएंगे और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर से कैंपेन होगा वो तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और साथ ही साथ कहा है कि सरकार की तमाम योजनाओं जो है वो धरातल पर नहीं है। ऐसे में एक बार जब JDU को मौका मिल गया वहाँ पे, लेकिन इस बार जो है हम लोग दोनों सीटों पर भारी मतों से विजय होंगे। हालांकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा है कि डॉक्टर के सलाह अगर होगी कि उन्हें जाना चाहिए तो ज़रूर आएंगे, हालांकि लालू प्रसाद यादव खुद इच्छुक हैं, बहुत इच्छुक है कि वो भी आए कैंपेन में, आकर शरीक हो, कैंपेन करें पार्टी को लेकर। जिस तरीके की चर्चाएँ हैं कि लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं और 2 सीटों पर तारापुर कुशेश्वर स्थान पर जो चुनाव होने हैं उसमें वो कैंपेन कर सकते हैं, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर डॉक्टर की सलाह होगी तो वो ज़रूर आएंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि दोनों सीट जो है वो हम लोग जीत रहे हैं। पटना आते ही तेजस्वी यादव ने उपचुनाव को लेकर एक बड़ी बात कही कि दोनों सीट राजद इस बार जीत रही है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं रिलायंस बिहार, नमस्कार।